खिलाड़ी जब एज अ बैट्समैन अगर वो कप्तान हो, जब वो बैट पकड़ के अंदर जाते हैं तो उसका सबसे पहला काम है रन बनाना। कई ऐसे कप्तान हुए हैं जिन्होंने कैप्टनसी के साथ बहुत बेहतर परफॉर्मेंसेज भी दी। एम एस धोनी ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेज दी, सौरभ गांगुली ने अच्छी दी, अनिल कुंबले ने बहुत अच्छी दी है, विराट कोहली ने अच्छी दी, रोहित शर्मा अब अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। एक चीज मैं गौतम जरूर पूछना चाहूंगी, एज एन कैप्टेंसी के तौर पे हमने देखा है कि कई लोग जो है वो प्रेशर में आ जाते हैं, उनके गेम पे असर पड़ जाता है, वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते जितना पहले कर रहे होते हैं। हमने इंडियन कैप्टेंस में भी कई बार देखा, जब विराट कोहली की बात करें तो उन्होंने जब कैप्टेंसी छोड़ा था तो वो और अच्छे से फोकस कर पाए थे गेम को। यू हैव बीन अ कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, यू हैव बीन अ लीडर, सो क्या मतलब वो रहता है कि आप जब कैप्टन है तो अलग परफॉर्मेंस, नहीं है तो अलग परफॉर्मेंस? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आई थिंक कई ऐसे कप्तान हुए हैं जिन्होंने कैप्टनसी के साथ बहुत बेहतर परफॉर्मेंसेस भी दी, तो ये बहुत इंडिविजुअल माइंडसेट है। एम एस धोनी ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दी, सौरभ गांगुली ने अच्छी दी, अनिल कुंबले ने बहुत अच्छी दी है, विराट कोहली ने अच्छी दी, रोहित शर्मा अब अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो ये मुझे नहीं लगता, क्योंकि एक खिलाड़ी जब एज अ बैट्समैन अगर वो कप्तान हो, जब वो बैट पकड़ के अंदर जाते हैं तो उसका सबसे पहला काम है रन बनाना, क्योंकि आप सिलेक्ट एज अ बैट्समैन एज अ बॉलर होते हैं, कप्तान आपको एक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। अगर आप बैट पकड़ के भी अंदर जाएंगे और ये सोचेंगे कि मैं कप्तान हूँ, तो फिर उस बॉल को नहीं पता कि आप कप्तान, उस बॉल को सिर्फ, या फिर उस बैट को नहीं पता कि आप कप्तान, उस बैट को इतना ही पता है कि एक खिलाड़ी ने, एक बल्लेबाज ने बैट उठाया। तो जब बैट आपके हाथ में है तो आप बल्लेबाज हैं, जब बॉल आपके हाथ में है तो आप गेंदबाज हैं, और जब आप गेंद छोड़ते हैं या फिर बैटिंग में आउट होते हैं तब आप कप्तान बनते हैं।